अब मैं खीर बनाने वाली हूँ मंदिर में देने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये बादाम को रोस्ट करके छिलका निकाल लेंगे। इसमें अभी तक हमने चावल, चीनी, बटर एंड मिल्क डाला है। चावल थोड़ा पकने के बाद उसके बाद यहाँ पे सारे नट्स डालेंगे। खीर रेडी हो चुका है तो अभी इसको मंदिर में देके आएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, उसके बाद मम्मी को वहाँ पे छोड़ के वापस आएंगे। मम्मी को मंदिर में पहुंचा दिया। मैं अभी बनाने वाली हूँ फिश विद चेरी टोमेटोस एंड इसमें थोड़ा सा बैम्बू सूप डालेंगे, ड्राई बैम्बू सूप। सब्जी पक चुका है तो मैं अभी लंच करूंगी। यहाँ पर मम्मी मोका बना रहे हैं। ये जो कपड़ा है उसको हम लोग मोका कहते हैं और ये भगवान के रूम पे, भगवान के ऊपर में लगाते हैं। और ये सबसे मम्मी अभी इसको सजाने वाला है। इसको बोलते हैं फुंसाई। और ये मैंने मेकिंग वाह इस, ये तो बस ये मुख क्या है, बस फ्लावर है इसको सजाने के लिए है। और वो जो है ना वो उसको फुंसाई कहते हैं। और वो सारा बीट्स है, बीट्स ऐसे करके लगाने वाले हैं। और जो ये है इसको मिडिल में ऊपर में लगाने वाले हैं। ये मम्मी श्रीलंका से लाया था बस इसको सजाने के लिए। मैं भी अब थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ मम्मी का। इसको पहले रस्सी को लेना है एंड इस बीच डालना है और बीच में वो फुंसाई को भी डालना है। ऐसे करके बनाते हैं।
ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा वो साइड में बाकी है, बाकी सब खत्म। उसके बाद ये ऊपर में बीच में इसको लगा देगा, उसके बाद हो गया। ये दिन भर घर में बैठ बैठ के बहुत बोर हो चुका है, तो अभी ये कजिन का घर में घूमने आया है। रहन का उसने अभी हम लोग यहाँ में प्लम खाएंगे ना, किन मम्मन को ना मम्मन phải bùi u thôi đồ मम्मी का पूजा करने का टाइम हो चुका है, तो ये फ्लावर मिला देंगे मम्मी के लिए। Thank you.